लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मई के तुर्बे स्टोर में कोरोना को रोकने स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने आज फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जहां सैकड़ों नागरिकों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। असल में तुर्बे के झोपड़पट्टी इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है, ऐसे में यहाँ कोरोना के फैलने का बड़ा खतरा है। सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक कोरोना टीका लगवाएं, इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, शिविर उसका हिस्सा है। यहां वैक्सीन लगवाने वालों को सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया गया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी को रोकने नवी मुंबई महानगर पालिका अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। आज इस अभियान के तहत तुर्बे स्टोर्स में शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी द्वारा फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। शिवसेना शाखा में आयोजित मनपा के वैक्सीनेशन कैंप में सैकड़ों नागरिकों ने आज कोरोना का पहला टीका लगवाया। शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का असर स्लम इलाकों में होने की संभावना है। मनपा की इन आशंकाओं को देखते हुए तुर्बे इलाके में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों को सर्टिफिकेट देकर हौसला भी बढ़ाया। महानगर पालिका माध्यम से हम लोग ये वैक्सीन का यहाँ पर मुहिम लिए मुहिम इसके लिए लिया कि कुछ पब्लिक ऐसे हो गए कि कुछ लोग वैक्सीन लेने से कुछ डर लग रहा है, कोई कुछ बीच में उनको जो बहुत सारी जो घटना घट गई उनके वजह से वो डर पैदा होगा, उनको हमने घर घर पे जाके बोल के वो वैक्सीन लेने के लिए हम लोग उनको उत्साह करके और इस जगह पे लेके आए। हम लोग शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर जो कुछ भी लोग रह गए ले उनको सबको घर घर पर जाके हम बता के सब लोग अपना अपना वैक्सीन ले लो, कल ये महामारी बीमारी निर्माण न होना चाहिए, इसके वजह से हम लोग ये मुहिम लिया है। आदरणीय कमिश्नर का भी हम आभार मानते हैं, उन्होंने इस बात पे तुरंत हमने कैंप लगाया और कैंप का माध्यम से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अच्छे चला। नवीन मनपा की मदद से आयोजित इस कैंप में नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए आयोजित वैक्सीनेशन कैंप के लिए शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी के प्रति आभार भी जताया। आइए सुनाते हैं नागरिकों ने और क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज इनके माध्यम से सबको लस मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी जो गौर गरीब महिला इधर काम पे जाती है, घर काम करते हैं, किधर भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और कहीं बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए इधर ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा है सुरेश कुलकर्णी साहब ने। व्यवस्था तो एकदम अच्छा है और सुरेश कुलकर्णी के माध्यम से हर प्रोग्राम इधर किया जाता है, कुछ भी हो हर मुश्किल में वो साथ देते हैं और वो किसी भी तरह वो खड़े ही रहते हैं। अभी जो कोविड 19 का जो 1.5 साल बहुत हालात के गए, बहुत सारे लोग एक्सपायर हो चुके हैं और अभी जो वैक्सीन स्टार्ट हुआ है तो वैक्सीन हमारे यहाँ पे मिल रहा नहीं है ना, कितना लाइन लगाने के बाद डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी वैक्सीनेशन मिल रहा नहीं है, तो कुलकर्णी दादा ने यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप लगा के बहुत बेटर किया है, क्योंकि जो 45 ईयर्स के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन देंगे तो आगे चल के उनको कोविड का खतरा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से ह्यूमिनिटी पावर स्ट्रांग होती है और हम लोग ये जो कोविड को फेस करने के लिए ये जो वैक्सीनेशन बहुत बेस्ट है। हमको तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब, और मेरी सोच है कि सब लोगों ने मतलब एक करो मतलब कोविड का इंजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अपने ही सेहत के लिए मतलब अच्छा है करके, इससे कोरोना का मतलब बचा हो सकता है। और सब लोगों को ये करना कहना चाहूँगी कि सब लोगों ने मतलब कोरोना का इंजेक्शन लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।